जय गुरुदेव। साधना में लाभ कैसे मिलता है? दाहिने और ऊंचा सुनो। जब भजन पर बैठो तो शब्द को ऊंचा ध्यान देकर कानों से सुनो और मोटी मिहीन किसी भी प्रकार की जो पहले आवाज़ आती हो उसको पकड़ो, और कोई भी पहले भी आवाज़ होगी उससे कानों की सफाई होती है। अंतर की कोई आवाज़ सुनने को मिलेगी तो कान पर जो पर्दा है वह साफ होगा। ये अंदर की आवाज़ का गुण है। ये नहीं है कि वो कोई आवाज़ हम सुने उससे हमारी सफाई न हो, ऐसा नहीं है। कोई आवाज़ सुनोगे तो सफाई होगी। फिर जब आवाज़ें आने लगे कि हम इसको भी नहीं पकड़ पाते, उसको भी नहीं, इसको भी नहीं, उसी में मिली जुली सब तरह की आती जाती रहती है, तो फिर उसमें छांटना है। नामदान के समय दिया गया भेद है। ये जो नामदान के वक्त में जो दिया गया भेद, उसको ध्यान देकर ऊंचा दाहिनी तरफ को और थोड़ा सा ऊंचा बाईं तरफ को नहीं, जब आप ध्यान दोगे तो वो भी बहुत बारीक है, लेकिन और आवाज़ों से वह अलग होगी। आएगी सुनोगे, आएगी बंद होगी, ऐसा होता है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हम कोई आवाज़ सुने और हमारी सफाई न हो, वो तो चाल की बात है। जहाँ की जो आवाज़ है वह सुनने को जब मिलेगी तो तन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण की सफाई होती है। चाल जब बनेगी ऊपर की, शब्द के साथ सूरत लय होने लगती है। सुनती रहे, सुनती रहे, फिर उसमें लय हो, तब उसकी चाल चलने की बनती है, तब उसमें खिंचाव शुरू हो जाता है। तो उसका परिचय यही है कि सुनने को मिलने लगे कोई आवाज़ तो सफाई हमारी हो रही है, कान खुल रहे हैं, और कुछ भी दिखाई दे तो समझना चाहिए कि आँखों की सफाई हो रही है। वह ऐसे नहीं है कि अंतर की जो आप साधना करो उससे सफाई, सफाई ही में तो देर लगती है, वही तो आपके लिए विघ्नकारक है। जो जमा किया है उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। कई दिनों का कूड़ा एकाएक नहीं, उसको एक दफ़े झाड़ दो, उठाओ, फिर दूसरा झाड़ो दोबारा, ये कूड़ा तब साफ होता। कर्मों का कूड़ा अंतकरण पर जमा होता है। ऐसे ही दोनों आँखों के ऊपर अंतकरण है और इधर में जीवात्मा का अंतकरण, तो उस अंतकरण में ये सब जमा होता है। ये कर्मों का मेल, ये सब जमा होता रहेगा। पर्दा तो दोनों से पड़ता है, पुण्य कर्मों से भी पर्दा पड़ता है। तो पहले तो पुण्य थे नहीं, जब पुण्य कार्य ये हुए और पाप कार्य बुरे काम, तो उसमें बस इतना ही है कि वह सफ़ेद है। लेकिन सफ़ेद है तो पर्दा तो है ही, और खराब काम का काला है, तो काला करोगे सफ़ेद करोगे, काला करोगे तो फिर कुछ नहीं करोगे, तो काला ही काला सब जमा हो जाएगा, अच्छा काम छूट जाएगा। सबका मतलब सफाई से है, इसलिए अंतर दरवाजे पर घाट पर बैठ करके सुनने का, देखने का या सुमिरन करने का, उसका मतलब एक ही है कि सफाई होगी। जैसे जैसे आपका मन, चित्त, बुद्धि उसमें लगने लगती है कि अब भजन करना या ध्यान करना या सुमिरन करना, तो बस समझना चाहिए कि आप में कुछ पवित्रता आई। तब आपका मन यानी थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप का, अब वो तो कर्मों का चलता रहता है चक्कर, वो तो ऐसे है जैसे पहिया चलता है ऐसे, तो फिर कोई कर्म खराब आ गए फिर भाग गया, ये तो होता रहेगा। लेकिन अपने को धीरे 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 काम करना चाहिए। बहुत से सत्संगियों को सुनने को मिलने लगता है, वह कहते हैं
अरे भाई, इतनी तरक्की तुम्हारी क्या कम है? जहाँ कुछ नहीं था, होश ही नहीं था, कुछ समझने तो लगे, कुछ करने लगे, तो इतना कम है, और धीरे धीरे तो उसमें जल्दी नहीं। लगे रहो, लगन जब लगी रहेगी तो वही काम धीरे धीरे जल्दी हो जाता है, और जल्दबाजी करोगे तो जो काम कर रहे हो वो भी नहीं होगा, और जल्दबाजी में आगे नुकसान हो जाएगा। तो शनेह लगे रहो, और दया तो मांगना चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए, वो तो करते रहना चाहिए, प्रार्थना दया मांगनी चाहिए, और बुरे कर्म से बचते रहो। मतलब ये, वो दया लेने के लिए तो घाट पे ही बैठने के लिए जोर दिया जाता है कि भाई घाट पर बैठक बन जाए तो सूरत को महापुरुषों की दया मिलने लगे। बिना घाट के दया का क्या परिचय? कोई बाहर से घाट पर सूरत को परिचय वही मिलेगा। बाकी ये तो बुद्धि का काम है, वो चेतन है, ये सब जड़ है। जय गुरुदेव।